हेलो विद्यार्थी मित्रों, धोरण आठ में आप काव्य पांच दोहेना त्रण वीडियो में आप समझूती और अभ्यास प्रश्नोत्तर की चर्चा चौथा वीडियो में जोई गया। हवे आप स्वाध्याय प्रश्नोत्तर की चर्चा करीशू। कबीर साईं से कितना मांगते हैं? कबीर साईं से सिर्फ उतना ही मांगते हैं कि उनको इतना धन मिले कि उनका परिवार और उनके घर में आया हुआ कोई भी साधु फकीर कभी भूखा न जाइए। बस साईं कबीर साईं से इतना ही मांगते हैं। बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? बिना सोचे कार्य करने से हमेशा हमारा कार्य बिगड़ जाता है और बाद में हम पछताते हैं और दुनिया में हमारी हंसी होती है। तो इसी तरह हमें बिना सोचे समझे कार्य करने से बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है, जिससे हमें सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। चंदन और भुजंग के उदाहरण से रहीम क्या कहते हैं? चंदन और भुजंग के उदाहरण के द्वारा कवि रहीम हमें कहते हैं कि अगर हम बुरी संगति का असर हम पर नहीं होता, अगर हमारी अच्छी प्रकृति वाले मनुष्य बुरी संगति से के साथ रहते हुए भी उनका असर उन पर नहीं होता। वो उन्होंने चंदन के पेड़ के उदाहरण द्वारा समझाया कि सांप उसे लिपते रहते हैं परंतु चंदन पर सांपों का विष की कोई असर नहीं होता। तो इसी तरह अच्छे प्रकृति वाले व्यक्ति को बुरी संगत की कोई असर नहीं होती। रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? रहीम बड़े लोगों की विशेषता बताए कि वो कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते, बड़े बड़े बोल कभी नहीं बोलते और बड़ा उनका स्वभाव हमेशा ऐसा बड़े बड़े बातें करना नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न है लेकिन स्वयं वो अपनी कीमत नहीं बताता, इसी तरह बड़े व्यक्ति भी अपनी बड़ाई नहीं मानते। तुलसीदास किसके घर जाना नहीं चाहते? तुलसीदास जी प्रेम और प्रेम की भाषा कहते हैं कि जो लोग में हम जिसके घर जाए और वहाँ हमें देखकर हर्ष का अनुभव ना करें, उनकी आंखों में हमारे लिए प्रेम ना दिखे, तो उस घर सोना भी बरसता हो तो फिर भी हमें नहीं जाना चाहिए। इस इकाई में दोहों से आप कौन से गुण ग्रहण कर सकते हैं? तो इस इकाई के द्वारा कबीर, रहीम और तुलसीदास जी ने हमें अलग अलग सीख दी है। कबीर जी ने कहा है कि अगर आवश्यकता हो तो भी अधिक पाने की इच्छा हमें नहीं रखनी चाहिए, हर काम हमें सोच समझ कर करना चाहिए और अपने मुख से हमें अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। रहीम जी ने कहा है कि हम दूसरों से कुछ भी ना मांगें और अपने स्वभाव से हमेशा हम उत्तम बनाए रखें। तुलसीदास जी को प्रेम और धन से अधिक प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं और विद्या धन पाने के लिए परिश्रम की जरूरत होती है। इसी तरह दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संग, परिश्रम और प्रेमपूर्ण आतिथ्य जैसे भाव हमें इस दोहे में सीखने को मिलते हैं। अब निम्नलिखित जवाब में ऐसी पहेलियाँ का निर्माण कीजिए जिसमें तोता उनका जवाब आता हो, पतंग या चिड़िया, हरे रंग का सुंदर पक्षी जो बोलता मनुष्यवाणी, बोलो वह कौन? तो तोता। एवी रीते तमारे आवी रीते पहेली एटले के उखाणा बनावाना छे। एवी ज रीते तमारे पतंग अने चिड़िया त्रणेयना तमारे जाते प्रयत्न करजो बनावाना उखाणा, कारण के एनाथी आपणी विचारवानी शक्ति खीले छे। जरे आपणे आवी एक्सरसाइज करीए त्यारे आपणी मगजनी एक्सरसाइज थाय छे। तो मित्रों, स्वाध्याय प्रश्नोत्तरनी चर्चा अहीं पूर्ण थई। आप लखी जवानु छे, नेक्स्ट पार्टनो वीडियो आपणे नेक्स्ट जोईशुं। आभार।